नमस्कार, मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी। देखिए, उसमें देसी घी डाल दिए हैं। अब सामान को हम दिखाते जाएंगे। देखिए, ये मसाला का पेस्ट है। 10 पीस काजू, 10 पीस बादाम, 10 ग्राम खसखस, 5 ग्राम नारियल, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और 10 पीस किशमिश अभी हम डालेंगे। और किशमिश के अलावा सारे मसाले को मैंने पेस्ट कर दिया है। अब इसे हम कढ़ाई में डाल के भून लेंगे। तेजपत्ता डाल के चटका दी। घी में मसाला डाल दिए हम, देसी घी डाले थे, और इसे अच्छी तरह भूनेंगे। मसाले में हरी मिर्च और एक टमाटर, सब मसाले को एक साथ हम पेस्ट कर दिए हैं और सभी मसाले को एक साथ डाल दिए हैं भूनने के लिए। इसे हम 3 मिनट तक भूनेंगे। देखिए, आधा मसाला ये भून गया है। इसी समय हम 10 पीस किशमिश डाल देंगे और नमक स्वाद के अनुसार डालकर इसे और 1.5 मिनट तक भूनेंगे। देखिए, मसाला ये भून गया है और तेल छोड़ दिया है किनारे से। अब इसमें हम 1 कटोरी दूध डालेंगे। 1 कटोरी दूध ले लिए हैं। सब्जी को मिला देंगे अच्छे से। देखिए, हम 1 कटोरी दूध मिला दिए हैं और इसमें 150 ग्राम हम पनीर डालेंगे। दूध खोला था, पनीर इसमें हम डाल देंगे। पनीर को छोटे टुकड़े में काट लिए थे। इसको हम 3 मिनट तक उबालेंगे। सब्जी में हम 1/2 कटोरी दूध और डाल दिए हैं और जो ऊपर दूध की मलाई थी, 2 चम्मच हम मलाई डाल दिए हैं। अब इसे हम अच्छे तरह खौला रहे हैं। पनीर की सब्जी बनकर तैयार है। गैस को बंद करने जा रहे हैं। मैं सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए, सब्जी को हम सर्व कर दिए हैं। ये पनीर की सब्जी है, इसमें हमने पानी यूज नहीं किया है, दूध डाला है ग्रेवी के लिए, और खूब स्वादिष्ट बनता है। पूरी के संग, रोटी, नान के संग खाइए। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में।